हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ओल्ड दुपट्टे का टॉप बनाना सिखाऊंगी, ए लाइन टॉप। ये हमारा पुराना दुपट्टा है, तो मैं आपको बताऊंगी इसमें ए लाइन टॉप कैसे करना है, काटना है। इसके साइड्स में ये बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर से हम पहले सबसे पहले स्लीव्स निकालेंगे। मैं आपको नाप बता देती हूँ, उसके बाद हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स वाला पोर्शन निकाल देंगे हम इसको। ये जो हमारा बॉर्डर है, ये हमारा स्लीव्स में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा नाप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ए लाइन सिर्फ चेस्ट से फिर नीचे उसकी शेप दे देते हैं। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले हम स्लीव्स निकाल लेते हैं। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ है 18, यानी कि 18। और इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर सिलाई लगा देंगे, क्योंकि इसमें ये जो बॉर्डर है ये बना हुआ है, तो हमें एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। 18 हमारी स्लीव की लेंथ है, तो हम रख देंगे 18.5, क्योंकि यहाँ से ये दब जाएगा कंधी पर से। और 4 इंच हम नीचे डाउन करेंगे और इसमें सीधी लाइन लगा देंगे। ये बाजू की कटिंग है सिर्फ अभी। इसकी शेप दे देंगे, बाजू भी हमारी ए लाइन में जाएगी, तो उसकी हमारी मोहरी रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ए लाइन की शेप मैं बताती हूँ आपको कैसे देते हैं। ये पूरा हमको ए लाइन चाहिए, तो यहाँ से जहाँ से भी हमारा निशान आएगा, जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी, वहाँ से हम इसको ए लाइन कर देंगे। यहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी, हमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए कुछ नहीं करना है, बस इसको अलग कर देंगे। हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे, यहाँ से इसको अलग कर देते हैं, फिर हम करेंगे टॉप की कटिंग। अब ये फ्रंट का हम काट लेते हैं, जो हम आगे से स्लीव छांटते हैं, आर होल वाला एरिया। ये बस कट गई हमारी बाजू। अब हम ऊपर वाला पार्ट काटेंगे। तो हमने ये कपड़ा बिछा लिया है, इसका प्रॉपर जितना भी अर्ज है उस हिसाब से हमने इसे बिछाया है। ये फोल्ड साइड है। अब हम लेंगे टॉप की जो हमारी लेंथ है, टॉप की लेंथ है 26 इंच। हम यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर है, तो हम केवल ऊपर से लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 26.5। फिर हम यहाँ पे शोल्डर वाले निशान लगाएंगे। ये हमने पूरा अर्ज इसलिए लिया है क्योंकि ये हमको ए लाइन चाहिए। फिर यहाँ से हम इसका वही शोल्डर जो चेस्ट पर आएगा लेंथ का निशान, ये चेस्ट है, ये कमर का निशान लेंगे, 7 इंच पे चेस्ट और 14.5 इंच पे कमर। इसको सीधा कर लेंगे। चेस्ट है हमारी 39 इंच, लेकिन हम ये टॉप है तो हम इसको लूज ही रखेंगे, यानी कि 3 इंच की लूजिंग दे देंगे। 42 इंच, 42 का 1/4 होता है 10.5 इंच। अब हम इसको यहीं से ए लाइन दे देंगे, जितना भी हमको चाहिए होगा। ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। अब रखेंगे शोल्डर, यानी कि तीरा। ये हम फुल रखेंगे, क्योंकि हमारा जो पीछे का गला है वो बंद है, तो इसके शोल्डर आएंगे 7.5 इंच के, 1 इंच अंदर की तरफ ले लेंगे, ये 6.5 इंच आ जाएगा, 1.5 इंच बाहर की तरफ लेंगे। आर्म होल की शेप दे देंगे, ये फ्रंट वाली है और ये जो बाहर वाली है ये बैक वाली है। अब इसको काट लेंगे। अब इस कपड़े को बाकी बचे हुए कपड़े के ऊपर बिछाएंगे।
तो हमने ये फ्रंट वाला पार्ट जो बचा हुआ कपड़ा था उसके ऊपर बिछा दिया है। अब हम इसको सेम ऐसे ही काट देंगे, जैसे आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए। ये जॉर्जेट का कपड़ा है, इसलिए थोड़ा खिसक रहा है। यहाँ से एक्स्ट्रा काटेंगे क्योंकि ये तो बॉर्डर है, यहाँ पे तो कोई बॉर्डर नहीं है, पर इसको हमें अच्छे से मोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा काटेंगे। ए लाइन में हमेशा यहाँ से शेप देनी पड़ती है, लेकिन इसमें बॉर्डर है इस वजह से हमने शेप नहीं दी है। अगर आप प्लेन कपड़े का बनाओ तो आप यहाँ से इसको शेप दे देना, जैसे ये प्लेन कपड़ा है, यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से इसको ऐसे करके शेप देंगे तो वो लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ से इतना ही रहने देंगे और इसको यहाँ से इतना काट देंगे। मैं इसलिए नहीं काट रही हूँ क्योंकि इसमें बॉर्डर है, इसके हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, हमने इसके आर्म होल नहीं काटे थे, हम इसको अच्छे से काट देते हैं। ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो ये ए लाइन टॉप की कटिंग पूरी हो गई है, ये बाजू है इसकी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी कुछ और पूछना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।